क्या आपको याद है कि 10 पीढ़ी पहले आपकी दादी की दादी की दादी कैसी दिखती थी? नहीं, मगर उनकी नाक अभी आपके चेहरे पर मौजूद है, आपके शरीर को याद है, हाँ या ना? आपके शरीर को लाखों साल पहले आपके पूर्वजों की त्वचा का रंग भी याद है, अभी तक वो भूला नहीं है। तो जिसे आप मेरा शरीर कह रहे हैं, वो यादों का एक बहुत बड़ा संग्रह है ना? आपके दिमाग में मौजूद यादाश्त बहुत कम है, आपके शरीर में मौजूद यादाश्त, There is evolutionary, उसमें क्रमिक विकास की यादें हैं, जेनेटिक यादें हैं, कर्म की यादें हैं, व्यक्त और अव्यक्त स्तर की यादें हैं, ढेर सारी यादें हैं। आपको लगता है कि अभी आपको चलना आता है, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके शरीर ने वो यादाश्त बनाई है। अगर आपका शरीर उसे भूल जाए तो आप चल नहीं पाएंगे। इतनी यादें, आप जो छोटी से छोटी चीज करते हैं, आप जानते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसे मुंह में डालना है कान में नहीं, ये सुनने में अजीब लगता है लेकिन आप यादों के कारण ही जानते हैं। तो आपका शरीर ढेर सारी यादों का भंडार है और वो हर समय यादें इकट्ठी करते रहता है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक चलें तो 50 अलग अलग तरह की हल्की महकें होंगी। हो सकता है कि आप उस पर ध्यान न दें, मगर शरीर उसे इकट्ठा भी करता है और पहचानता भी है, वो लगातार पहचानता रहता है। इसलिए आप जानते हैं कि सुगंध क्या है, दुर्गंध क्या है, ये इसकी गंध है। आप आवाज, गंध वगैरह के अलग अलग पहलुओं को पहचानते हैं क्योंकि ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इस शारीरिक यादाश्त को इस संस्कृति में पारंपरिक तौर पर हम ऋणानुबंध कहते हैं, वो शारीरिक यादाश्त जो आप बनाते हैं। आप जागरूकता के साथ अपनी शारीरिक यादाश्त बना सकते हैं या बस ढेर सारी यादाश्त अंदर लेकर ढेर सारी शारीरिक उलझन से गुजर सकते हैं। तो जहां कहीं भी प्रभाव होता है, मुझे पता नहीं कि आपकी पीढ़ी में लोग अब भी ये चीजें जानते हैं या नहीं, मगर अब भी बैंगलोर में ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें अगर आप नमक देने की कोशिश करेंगे तो वे उसे नहीं लेंगे, वो कहेंगे वहां रख दीजिए। अगर आप उन्हें तिल देने की कोशिश करें तो वो कहेंगे उसे वहां रख दीजिए, क्योंकि उन्होंने कई पदार्थों की पहचान कर ली है जो आसानी से आपकी यादाश्त को लेकर मुझ तक पहुंचा सकते हैं अगर मैं वो चीज ले लूं। मुझे वो यादाश्त नहीं चाहिए। यही वजह है कि आमतौर पर इस संस्कृति में एक दूसरे को छूना, हाथ मिलाना, ऐसी चीजों से परहेज किया जाता है। हम अपनी ही दोनों हथेलियां मिलाकर नमस्कार करते हैं क्योंकि हम यादाश्त नहीं इकट्ठी करना चाहते, क्योंकि अगर मैं इसे बस छूता हूं तो ये इसे भी याद रखता है। आप अपने 4 दोस्तों के साथ इसे आजमा कर देखें, आप उनके हाथों को छुएं, याद रखने की कोशिश ना करें, हर दिन बस उनके हाथ छुएं और भूल जाएं। कल अगर वो आकर आपको छूता है, आप जानते हैं कि ये उसका हाथ है ना? तो शरीर याद रखता है, ये दिमाग में नहीं है, शरीर की यादाश्त होती है, इसे ऋणानुबंध कहते हैं। जब यौन संबंध बनते हैं या ऐसी कोई अंतरंगता होती है जिसमें विचार, भावनाएं और शरीर शामिल हों, तो आपके शरीर में जो यादाश्त रह जाती है वो बहुत बड़ी मात्रा में होती है। इसलिए कहा गया है कि आपको इसे जितना हो सके उतना सरल रखना चाहिए। कुछ दूसरे पहलू हैं जहां कुछ तांत्रिक प्रक्रियाओं में ऐसी चीजें होती हैं, वे सालों तक खुद को तैयार करते हैं ताकि शरीर से इतनी दूरी बना ली जाए कि शरीर कहीं से कोई यादाश्त न उठा पाए। इसे एक साधना की तरह किया जाता है, बेलगाम संभोग की तरह नहीं। तो सवाल नैतिकता का नहीं है, सवाल यह है कि आप अपने जीवन में अपने साथ क्या करना चाहते हैं। इफ यू वॉन्ट टू बी इन सच अ वे दैट, अगर आप इस तरह जीना चाहते हैं कि आपके जीवन में आपकी भीतरी बुद्धि सबसे प्रबल चीज हो, आपका भौतिक शरीर नहीं, तो आपको शरीर की याददाश्त को जितना हो सके उतना सरल रखना चाहिए। इसलिए सादा भोजन, लोग बिल्कुल सादा भोजन करते हैं। अब भी मैं दिन में एक बार भोजन करता हूं और भोजन में सिर्फ एक चीज खाता हूं, 10 नहीं। मैं वो चीजें दूसरे दिन खा लूंगा, मगर आज मैं सिर्फ एक चीज खाऊंगा, क्योंकि काफी फर्क। आप आजमा कर देखिए, सिर्फ मेरे कहने पर मत जाइए, खासकर जब आपकी परीक्षा का समय आता है, सादा भोजन कीजिए और देखिए कि उससे कितना फर्क पड़ता है, आपकी बुद्धि कैसे काम करती है, आप कितना सतर्क रहते हैं, सब कुछ। तो आप खुद को क्या बनाना चाहते हैं? आप खुद को एक सेक्सुअल सुपरनोवा बनाना चाहते हैं या और नो आई एम सेइंग
कुछ लोगों का ऐसा इरादा हो सकता है, ये उनके ऊपर है, मगर आप अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं, ये आपको तय करना होगा। अगर आपने ये तय किया है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अनजाने में भारी मात्रा में यादें ना इकट्ठी करें, क्योंकि बाद में आप देखेंगे कि आपके लिए शांत और खुश रहना बहुत मुश्किल होगा, चाहे कुछ भी अच्छा हो रहा हो, क्योंकि शरीर में उलझन भरी यादें मौजूद हैं। जब इसी प्रकृति का कुछ और आता है तो शरीर में उलझन भरी उथल पुथल होने लगती है। शायद आपके दिमाग में ये ना आए, ये सिर्फ शारीरिक रूप से होता रहेगा। तो ये चुनाव आपको करना है, ये नैतिकता का सवाल नहीं है, ये सवाल है समझदारी से जीने का।